please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज के वीडियो पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर स्कूल के लिए एडमिशन ओपन डिजाइन करना सीखेंगे। इस यहाँ पर बनाए हुए डिजाइन को आप इजीली सोशल मीडिया के अंदर शेयर कर सकते हो, इजीली प्रिंट करते हुए आप पैम्पलेट के थ्रू भी यूज कर सकते हो। आप इस डिजाइन को दोस्तों के पास इजीली शेयर कर सकते हो, इस डिजाइन का आप जहाँ पर भी शेयर वगैरह कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको डिजाइन करने के लिए पेज लेआउट के अंदर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, उसके बाद दोस्तों आपको पेज का साइज देना है। साइज के अंदर जाकर उसके बाद दोस्तों सिंपली मोर पेपर साइज के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको साइज देना है, दोस्तों वेट 6 inches और हाइट 3.2 inches के आसपास देना है। और उसके बाद सिंपली इसको ओके बटन के ऊपर में क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, इजीली इस तरीके का पेज रेडी होकर आ चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, मार्जिन के ऊपर में जाकर आपको नैरो मार्जिन सेलेक्ट करना है। अब आपको सिंपली यहाँ पर इजीली डिजाइन वगैरह कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों सिंपल इंसर्ट के ऊपर में क्लिक करना है। शेप्स के ऊपर में जाकर आपको दोस्तों यहाँ पर फ्री फ्रॉम शेप्स क्रिएट करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको इस तरीके से इजीली यहाँ पर डिजाइन वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों देखिए कितना प्यारे तरीके से मैं यहाँ पर सेलेक्शन कर रहा हूँ, इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। आप शायद इसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो डिलीट वगैरह करते हुए। दोस्तों ध्यान से देखिए, उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से शेप ड्रॉ करूँगा और यहाँ पर मैं क्लिक करते हुए इसको एंड करूँगा। जब मैं एंड करूँगा, आप शायद इसको थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हो। एडिट पॉइंट के ऊपर में जाकर एडिट शेप्स के ऊपर में जाकर एडिट पॉइंट के ऊपर हम क्लिक करते हो, थोड़ा सा आपको इसको पॉइंट को इधर उधर कर सकते हो। मैनेज वगैरह करना है तो आप इजीली कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा इधर की तरफ इस तरीके से लेकर आना है और इस पॉइंट को भी थोड़ा सा आपको इधर की तरफ इस तरीके से लेकर आना है। आप शायद इसको थोड़ा सा मैनेज वगैरह करते हुए आप इस टाइप का एक शेप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। आपको इसको थोड़ा सा साइज बढ़ाकर, आपको इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ एकर लेकर आकर इस तरीके का आप काम भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको फॉर्मेट आउटलाइन नो आउटलाइन के ऊपर में क्लिक करना है। दोस्तों और यहाँ पर दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से इस डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब आपको सिंपली इसके ऊपर में सेप यानी कि पिक्चर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो। इसके ऊपर में क्लिक करते हुए फॉर्मेट के ऊपर में जाकर सेप फिल के ऊपर में जाकर पिक्चर्स के ऊपर में आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने को दोस्तों जहाँ पर आपके पास इमेजेस है वहीं से आपको इमेज उठाकर यूज कर सकते हो। दोस्तों स्टूडेंट इमेजेस में यहाँ पर अप्लाई करना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरे पास ढेर सारे स्टूडेंट इमेजेस है, तो सिंपली मैं ये वाला स्टूडेंट इमेज यहाँ पर अप्लाई करना चाहूँगा। आप चाहे तो जो भी इमेजेस अप्लाई कर सकते हो, सिंपल दोस्तों ये वाला करूँगा और इसको सिंपली फॉर्मेट के ऊपर में जाकर इसको क्रॉप करते हुए इसको मैनेज करूँगा। दोस्तों क्रॉप के ऊपर में क्लिक करते हुए तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इसको इस तरीके से आप एडिट कर सकते हो, एडिट वगैरह ईजिली यहाँ पर आपको अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर ये आ चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर में आपको शैडोज क्रिएट करना है। दोस्तों यहाँ से आप शायद इसको शैडोज थोड़ा सा इधर की तरफ कर सकते हो, दिखने में काफ़ी कूल सा एक प्यारा सा लुक निकल कर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, शेप्स के ऊपर में जाकर आपको यहाँ पर एक राउंडेड यानी कि ये वाला टॉप राउंडेड एक शेप क्रिएट करना है। तो इसको आप इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, इसको आप यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई कर लीजिए और इसको रोटेट कर लीजिए। आप शायद इसको साइज में थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, इसका आप यहाँ पर ईजिली अप्लाई कर सकते हो। इसका आउटलाइन नो करना है और उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर में जो कलर आपको पसंद है आप फिल कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लोगो अप्लाई करना चाहूँगा, स्कूल का लोगो। तो मेरे पास दोस्तों यहाँ पर डी ड्राइव के ऊपर में ढेर सारे स्कूल्स का लोगो है दोस्तों, जो सिंपल ये वाला लोगो यूज़ करूँगा। दोस्तों मैं इसी कलर के ऊपर में काम करना चाहूँगा, तो यहाँ पर मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूँगा इसको और इसको थोड़ा सा यहाँ पर स्कूल का लोगो यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर मैं स्कूल का नेम वगैरह और एड्रेस वगैरह सब कुछ अप्लाई करूँगा और इसके ऊपर में दोस्तों मैं यहाँ पर कलर फिल करूँगा। दोस्तों ये वाला लाइट कलर, आप चाहे तो ये वाला कलर भी अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। इसको थोड़ा सा साइज भी छोटा करते हैं, यहाँ पर सेंड बैकवर्ड करूँगा ताकि यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक डिज़ाइन के अंदर दिख जाए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कितना प्यारे तरीके से काम हो चुका है। अब मैं यहाँ पर सिंपली ये वाला राउंडेड रेक्टेंगल शेप यूज़ करूँगा दोस्तों, कुछ डिज़ाइन में चेंजेस करने के लिए। जस्ट इस तरीके से इसको थोड़ा सा रोटेट करते यहाँ पर मैं इसको अप्लाई करूँगा और इसको आउटलाइन नो करूँगा, ये वाला ही कलर दूंगा जस्ट डिज़ाइन में अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। उसके बाद दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पर जो भी आपको टाइप करना है आप इजीली टाइप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ एक शेप यूज़ करना चाहूँगा, शेप्स के ऊपर में जाकर ट्रायंगल शेप जस्ट कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करूँगा आउटलाइन में और यहाँ पर इसको कलर दूंगा दोस्तों ये वाला लाइट कलर, ताकि दिखने में काफ़ी कूल सा एक प्यारा सा लुक
दिखने मिले। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फटाफट से जो भी एसेसरीज वगैरह है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली में इंसर्ट कीपर में जाकर वडाट वडाट स्टाइल वन कीपर में क्लिक करते हुए यहाँ पर मैं एडमिशन टाइप करूंगा, जस्ट इसको सेलेक्ट करूंगा, होम के अंदर जाकर इसको सबसे पहले तो नो स्पेसिंग करूंगा। नो स्पेसिंग करने के बाद दोस्तों इसको यहाँ पर रखूंगा और इसको सेटल करते हुए यहाँ पर मैं फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड सा फॉन्ट यूज करना चाहूंगा। आपको जो फंड पसंद है आप अप्लाई कर लीजिए। तो ये वाला फंड मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर मैं एडमिशन टाइप करूँगा। तो इसको सेलेक्ट करते हुए दोस्तों थोड़ा सा फंड बड़ा करूँगा ताकि दिखने में काफ़ी कूल सा एक प्यारा सा लुक आपको यहाँ पर देखने को मिले। तो सिंपली यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा और इसी को इसको थोड़ा सा यहाँ पर काम करूँगा, थोड़ा सा बड़ा करूँगा, मे बी 30 के आसपास फंड करूँगा और यहाँ पर मैं इसको मैनेज करूँगा। दोस्तों देखिए कितना प्यारा लुक यहाँ पर निकल कर आ चुका है। और आपको सिंपली यहाँ पर 2023 आपको टाइप करना है तो इसको इसी को कॉपी करते हुए कंट्रोल होल्ड करते हुए यहाँ पर आपको 2023 इस तरीके से टाइप करना है। फॉन्ट आपको थोड़ा सा यूनिक सा फॉन्ट आपको सेलेक्ट करना है, जस्ट आपको बोल्ड वाले फॉन्ट सेलेक्ट करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये वाला फॉन्ट यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको बड़ा कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा साइज में छोटा करते हुए यहाँ पर अप्लाई करूँगा। दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर लुक आ चुका है दोस्तों। अब मैं सिंपली यहाँ पर इसी को कॉपी करते हुए यहाँ पर टाइप करूँगा ओपन और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसको फिलअप करूँगा। तो इसको थोड़ा सा साइज में छोटा करूँगा ताकि यहाँ पर एग्जैक्टली सेट हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से सेट हो चुका। अब मैं यहाँ पर कलर करेक्शन करूँगा, इसको सबसे पहले वाइट दूंगा और इसको कलर दोस्तों थोड़ा सा लाइट कलर ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा सा डार्क कलर आप शायद इस तरीके का ब्लू, इस तरीके का ब्लू भी यहाँ पर अच्छा लगता है दोस्तों, आप शायद ग्रीन ये भी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से ऊपर का काम वगैरह हो चुका है। अब आपको सिंपली यहाँ पर प्ले ग्रुप टू क्लास 9, तो यहाँ पर इसको कंट्रोल होल्ड करके कॉपी करूँगा और इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, टाइप करूँगा दोस्तों क्लास 9। तो इसको मैं इसको थोड़ा सा साइज में छोटा कर रहा हूँ और यहाँ पर इसको अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए यहीं से एग्जैक्टली आपको भी अप्लाई करना है। तो इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव कलर देना है तो आप चाहे तो ये वाला कलर भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इसी के ऊपर मैं आपको यहाँ पर कॉपी करते हुए कंट्रोल होल्ड करते हुए आपको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ यहाँ पर आपको टाइप करना है, जस्ट मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। तो इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं फॉन्ट थोड़ा सा पतला सा फॉन्ट यूज करूँगा ताकि दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर सा एक लुक लगे दोस्तों। इसको मैं थोड़ा सा साइज में छोटा करूँगा और यहाँ पर अप्लाई करूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं एक यहाँ पर शेप यूज़ कर रहा हूँ तो ये शेप मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों, इसको यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करूँगा ताकि दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर सा एक लुक लगे। इसको मैं यहाँ पर कलर दूंगा दोस्तों येलो कलर ताकि दिखने में और भी प्यारा लुक लगे। इसी को थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा सा डार्क येलो यूज करूँगा, ये वाला येलो यूज करूँगा। इसको मैं आउटलाइन नो करूँगा और इस वाले को दोस्तों मैं ब्लैक कलर यूज करूँगा टेक्स्ट का कलर और इसको मैं यहाँ पर फिलअप करूँगा, यहाँ पर इसको सेट करूँगा, इसको सेंड बैकवर्ड करूँगा और इस वाले को यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई करूँगा ताकि दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर सा एक प्यारा सा लुक निकल कर आ जाए। उसके बाद दोस्तों इस लुक को थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा और यहाँ पर जो भी स्कूल का नेम है इजीली आप यहाँ पर अप्लाई कर सको। तो उसके लिए दोस्तों सिंपली इंसर्ट केबल में क्लिक करते हुए वडाट वडाट स्टाइल वन सिंपल है दोस्तों, आपको यहाँ पर नो स्पेसिंग और आपको यहाँ पर स्कूल का नेम टाइप करना है। जस्ट मैं यहाँ पर टाइप करूँ तो इसको सेलेक्ट ऑल करता हूँ और यहाँ पर मैं बोल्ड सा फॉन्ट यूज करूँगा, एरियल ब्लैक ही यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर आप चाहे तो और फॉन्ट वगैरह आपको है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर फॉन्ट फाइंड कर रहा हूँ ताकि ये फॉन्ट भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों दिखने में, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट में बड़ा करूँगा और यहाँ पर फिलअप करूँगा दोस्तों। देखिए कितना प्यारा लुक निकल कर आ चुका है दोस्तों। इसी को मैं यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन करूँगा, यहाँ पर मैं इसको कलर दूंगा जस्ट ये वाला कलर मुझे अच्छा लग रहा है, ये वाला कलर और इसको यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ और इसको को कंट्रोल होल्ड करते हुए यहाँ पर कॉपी करते हुए यहाँ पर मैं टाइप करूँगा फ़ोन नंबर या फिर एड्रेस और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा ESTD या फिर आप चाहे तो जो भी टाइप करना चाहोगे आप इजीली टाइप कर सकते हैं 2015। जस्ट इसको सेटल करते हुए यहाँ पर मैं इसको ब्लैक कलर फिलअप कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए कितना प्यारा लुक यहाँ पर निकल कर आ चुका है। 9 का फॉन्ट दूंगा दोस्तों, इसको थोड़ा सा फॉन्ट 22 के आसपास करूँगा ताकि ये भी ज़्यादा अच्छा लगे, 21 के आसपास करूँगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं मैनेज करूँगा ताकि ये दिखने में और भी प्यारा लुक निकल कर आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से ये काम हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसको लोगो को साइज में कम करूँगा ताकि दिखने में और भी ज़्यादा प्यारा लुक निकल कर आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से इतना तक तो मैंने कम्प्लीटली काम कर चुका हूँ और ये फॉन्ट मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको मैं यहाँ पर कैलिब्री फॉन्ट सेलेक्ट करूँ, आउटलाइन में इसको नो करूँगा और इसको मैं यहाँ पर सिंपली ब्लैक कलर यूज़ करूँगा
ताकि और भी ज़्यादा सुंदर सा एक प्यारा सा लुक निकल कर आ जाए। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा और यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों, इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर काम हो चुका। अब मैं यहाँ पर सिंपली कॉन्टैक्ट नंबर की यूज़ करूँगा, तो उसके लिए दोस्तों आइकन यूज़ करूँगा। सिंपली इंसर्ट के ऊपर मैं जाकर आइकन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए आइकन है, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली कॉन्टैक्ट का आइकन सेलेक्ट करते हुए इंसर्ट करूँगा और इसको यहाँ पर मैं रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कलर दूंगा सिंपल ये वाला ब्लू कलर या फिर ये वाला लाइट ब्लू कलर। आप चाहे तो जो कलर आपको पसंद है आप दे सकते हो। फिलहाल के लिए दोस्तों ये वाला कलर मैं यहाँ पर फिलअप कर रहा हूँ और दोस्तों मैं सिंपली ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं बोल्ड सा कॉन्टैक्ट नंबर यूज़ करना चाहूँगा। तो सिंपल है दोस्तों, मैं यहाँ पर 9812345678 कुछ इस तरीके से यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करूँ दोस्तों। देखिए इसको सेटल करते हुए ब्लैक कलर फिल करूँगा। आप चाहे तो ब्लू, जो भी कलर आपको पसंद है आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसको थोड़ा सा फॉन्ट में छोटा करते हुए यहाँ पर अप्लाई करूँगा जस्ट कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों देखिए कंप्लीट, मैंने यहाँ पर एक स्कूल का एडमिशन ओपन, सिंपल सा एडमिशन ओपन, सिंपल सा एक अट्रैक्टिव एडमिशन ओपन टाइप किया। जस्ट इसको मैं बोल्ड कर दूंगा ताकि ये विजिबल हो जाए आराम से। तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा तरीके से मैंने कम्प्लीटली एक यहाँ पर डिज़ाइन कर दूंगा। इसको मैं थोड़ा सा राउंड यहाँ पर थोड़ा सा राउंड कम करूँगा जस्ट कुछ इस तरीके से, दिखने में और भी ज़्यादा प्यारा लुक निकल कर आ जाए। जस्ट इसको इधर करूँगा, इसको थोड़ा सा इधर करूँगा और यहाँ पर मैं इसको अप्लाई करूँगा। दोस्तों देखिए कितना प्यारा लुक यहाँ पर निकल कर आ चुका है। तो आप भी इसी तरीके से कम्प्लीटली एडमिशन ओपन बैनर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। इस डिज़ाइन का आप सोशल मीडिया के अंदर आप शायद इसको जहाँ पर भी शेयर वगैरह ईजिली कर सकोगे। तो इसको मैं थोड़ा सा और रोटेट करते हुए यहाँ पर मैं, तो दोस्तों देखिए कम्प्लीटली मैंने एक यहाँ पर एडमिशन ओपन का बैनर डिज़ाइन क्रिएट कर चुका हूँ। आप भी इसी तरीके से कम्प्लीटली एडमिशन ओपन का बैनर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नई टॉपिक के ऊपर में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।